नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। देवभूमि के मंदिरों में लगे हर हर महादेव के जयकारे, ढोल नगाड़ों के साथ निकली भोले की बारात। हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य की शक्ति पीठों श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी और आदि हिमानी मां चामुंडा के मंदिरों के अलावा शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, फल आदि चढ़ाने और उनके दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरा हिमाचल शिवमय हो गया है। देवभूमि के मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे हैं। वहीं चंबा जिले के 84 मंदिर परिसर में भगवान धर्मराज के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। यहां भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 84 मंदिर में मणि महेश लिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। वहीं साहो के ऐतिहासिक चंद्रशेखर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त 1 किलोमीटर लंबी लाइन में इंतजार करते रहे। शिव प्रताप शुक्ला ने संस्कृत में ली शपथ, बने हिमाचल के 29वें राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ला ने आज राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री प्रताप शुक्ला ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ यज्ञ किया। शपथ के बाद प्रदेश की सुक्कू सरकार के साथ समन्वय से कार्य करने की बात कहते शुक्ला ने कहा कि राज्यपाल संविधान का एक उच्च पद है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि शुक्ला संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले प्रदेश के 3रे राज्यपाल हैं। इनसे पहले विष्णुकांत शास्त्री और आचार्य देवव्रत ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। इस बाबत शुक्ला ने कहा कि मैंने राज्यसभा में भी संस्कृत में शपथ ली थी। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए प्रदेश में काम करूंगा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। देवभूमि में देवभाषा में शपथ लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस विधायक आरएस बाली की माता का निधन, एम्स दिल्ली में ली अंतिम सांस। नगरोटा बगवा से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली की माता किरण बाली का आज निधन हो गया। सुबह 7 बजे एम्स दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। किरण बाली बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। 2 दिन पहले रघुवीर बाली ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की थी। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर फिर हिमस्खलन, 4x4 वाहनों को ही आवागमन की अनुमति। मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 पर स्नो गैलरी के समीप फिर हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन होने के कारण कई घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रही। सुबह करीब 11:30 बजे यातायात बहाल हुआ। प्रशासन ने सिर्फ 4x4 वाहनों को ही आवागमन की अनुमति दी है। उधर लाहौल स्पीति की मैयाड़ घाटी में भी हिमस्खलन हुआ है। चंबा भरमौर NH पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 2 युवकों की मौत। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH पर बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। विकास कुमार निवासी गांव मरोथा पंचायत लोथल और सचिन कुमार निवासी गांव तगेलथा पंचायत सुनारा दोनों बाइक पर सवार होकर ऑनलाइन मंगवाए सामान की होम डिलीवरी करने गरोला से धरवाला की तरफ जा रहे थे। वहीं जैसे ही दोनों ढको के पास पहुंचे तो उसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे दोनों युवक सीधे रावी नदी के तट पर जा गिरे, जबकि बाइक सड़क पर ही पड़ी रही। इसके अलावा हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग युवकों की मदद के लिए रावी तट पर उतर गए। इससे पहले कि दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक डॉक्टर जनकराज तथा जीप सदस्य अनिल ढकोक भी मौके पर पहुंच गए। शिमला में न्यूनतम तापमान का 8 साल का रिकॉर्ड टूटा, तपने लगे पहाड़। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद फरवरी में सबसे अधिक न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 18 फरवरी को राजधानी शिमला का तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं से पहले 23 फरवरी 2015 को फरवरी में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आज हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया था। 19 से 21 फरवरी तक मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 से 21 फरवरी तक किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 21 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। सीएम ने मांगा 1,12,00,000 रुपए बोली का रिकॉर्ड। 70,000 की स्कूटी के लिए देशराज नाम के व्यक्ति ने वीवीआईपी नंबर खरीदा। मामले की होगी जांच। हिमाचल सीएम सुखू ने 70,000 की स्कूटी के लिए 1,12,00,000 रुपए में खरीदे गए वीवीआईपी नंबर का रिकॉर्ड तलब किया है। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। अंदेशा है कि करोड़ों रुपए की बोली लगाने वाले फ्रॉड हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कांग्रेस को रेट कॉन्ट्रैक्ट की सरकार। कश्यप बोले सुखू सरकार में हर काम के दाम तय, बीजेपी जल्द करेगी भंडाफोड़। हिमाचल में भाजपा नेताओं ने सुखू सरकार पर रेट कॉन्ट्रैक्ट की सरकार का आरोप लगाया है। भाजपा ने सुख की सरकार में कई दुखिये के दुख दूर किए जाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे। कश्यप ने कहा कि एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया है। अब इस सुखी सरकार में कई दुखिये के दुख दूर किए जा रहे हैं। हिमाचल में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी हैं और अब तो क्रशर यूनियन भी बन चुकी है, जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं। इसका खुलासा भाजपा जल्द करेगी। इसके अतिरिक्त कश्यप ने कहा कि जिन 10 गारंटियों की समीक्षा करने के लिए राजीव शुक्ला हिमाचल आए हैं, उन गारंटियों के बारे में जनता जानना चाहती है। कांग्रेस इस गारंटियों को कब तक पूरी करने जा रही है? उन्होंने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट सप्तऋषि बजट है। शिक्षा विभाग की हर गतिविधि अब होगी ऑनलाइन, लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम। शिक्षा विभाग में अब ई ऑफिस सिस्टम लागू होगा, यानी कि यह विभाग अब पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने विभाग के आला अधिकारियों को इस ओर उचित कदम उठाने को कहा है। ऐसे में अब विभाग की प्रशासनिक सहित सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। विभाग ने जिला उपनिदेशक व स्कूल कॉलेज प्रबंधन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इस समय विभाग में करीब 1,50,000 शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं और अब इनका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि शिक्षकों व कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक की सेवाओं का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इससे पता चल पाएगा कि शिक्षक कौन कौन से क्षेत्रों में सेवाएं दे चुका है और एक स्टेशन पर उसने कितने साल सेवा दी है। शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में यह रिकॉर्ड काम आएगा। हालांकि PMIS पोर्टल पर शिक्षकों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन विभाग इस सिस्टम को और सुदृढ़ करने जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही यह फैसला लिया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।